नमस्कार बाल मित्र में आपका स्वागत है। आज हम मदर्स डे के लिए मेरी माँ पर सुंदर हिंदी शायरियाँ देखेंगे। यह शायरियाँ बहुत ही आसान और आकर्षक है। इनका उपयोग कर आप अपना भाषण अथवा निबंध और भी आकर्षक बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली शायरी है, सर पर हाथ जो फेरे, सर पर हाथ जो फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए, तो जन्नत मिल जाए। दूसरी शायरी है, दवा असर न करे, दवा असर न करे तो नज़र उतारती है, माँ है जनाब, माँ है जनाब, कहाँ हार मानती है, कहाँ हार मानती है। तीसरी शायरी है, हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ, हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाता हूँ, जब हंसती है मेरी माँ मैं हर गम भूल जाता हूँ, मैं हर गम भूल जाता हूँ। चौथी शायरी है, सीधा साधा भोला भाला, सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाओ बड़ा, कितना भी हो जाओ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। पांचवी शायरी है, इस जीवन में सबसे बड़ा माँ का ही प्यार है, इस जीवन में सबसे बड़ा माँ का ही प्यार है, वही मंदिर वही पूजा और वही सारा संसार है, वही मंदिर वही पूजा और वही सारा संसार है। छठी शायरी है, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानता हूँ, मेरे रब के बाद मैं बस अपनी माँ को जानता हूँ, बस मैं अपनी माँ को जानता हूँ। सातवीं शायरी है, सुना सुना सा मुझे एक घर लगता है, सुना सुना सा मुझे एक घर लगता है, माँ जब नहीं होती तो बहुत डर लगता है, माँ जब नहीं होती तो बहुत डर लगता है। आठवीं शायरी है, जख्म जब बच्चे को लगता है तो माँ रोती है, जख्म जब बच्चे को लगता है तो माँ रोती है, ऐसी निस्बत किसी और रिश्ते में कहाँ होती है, ऐसी निस्बत किसी और रिश्ते में कहाँ होती है। अगली शायरी है, मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। और आखिरी यानी दसवीं शायरी है, मांग लूए मन्नत की फिर यही जहाँ मिले, मांग लूए मन्नत की फिर यही जहाँ मिले, फिर वही गोद फिर वही माँ मिले, फिर वही गोद फिर वही माँ मिले। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल बाल मित्र ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।